हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलाना सोलर शेयर के ऊपर, साथ ही साथ बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स और एजिस लॉजिस्टिक्स शेयर के ऊपर भी बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोलाना सोलर शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को वापस से इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रहा था, बट यहां पे स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। अगर हम लोग टेक्निकली बात करेंगे तो टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको 45 रुपीज के लेवल के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट में अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ अगर हम लोग मंथली बेसिस पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी प्रीवियस थ्री मंथ से ज्यादा के वॉल्यूम के साथ जो है स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे नवंबर मंथ के बाद जो है लगातार हम लोगों को स्टॉक जो है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहला बात आता है जो क्या ये स्टॉक 100 तक जाएगा। अगर हम लोग टेक्निकली बात करेंगे तो टेक्निकली यहाँ पे मंथली चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 41 रुपीज के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक आपको सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर रहा है। मंथली कैंडल को क्लोज होने में अभी 4 ट्रेडिंग सेशन और रिमेनिंग है, थर्सडे फ्राइडे इस वीक के और मंडे ट्यूजडे नेक्स्ट वीक के। तो 4 ट्रेडिंग सेशन अगर स्टॉक यहां पे 42-43 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये एक मंथली बेसिस पे अच्छा ब्रेकआउट होगा। अब अगर मंथली बेसिस पे अच्छा ब्रेकआउट होगा, हम लोगों को पता है ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, 2015 के जून मंथ के बाद जो है स्टॉक यहां पे आपको ब्रेकआउट देगा, तो यानी कि तकरीबन 9 ईयर के बाद जो है स्टॉक यहां पे ब्रेकआउट देगा। तो टेक्निकली अगर बात करेंगे कभी भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। स्टॉक इमीडिएटली जो है यहाँ पे आपको 75-80 के जोन तक जा सकता है, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 100-120 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं इसके हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो कंपनी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। टेक्निकली नो डाउट कंपनी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, टेक्निकली अगर देखेंगे तो चार्ट एक अच्छे लेवल को इंडिकेट कर रहा है, बट फंडामेंटली अगर यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट निकल के आया है वो है जो यहाँ पे प्रमोटर ने तकरीबन 12% से अपने स्टेक को रिड्यूस किया है इस क्वार्टर में, यानी कि मार्च क्वार्टर में ऑलमोस्ट 12.4% से अपने स्टेक को प्रमोटर ने रिड्यूस किया है। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ये है जो प्रमोटर ने जब सेल किया तो FIIDI ने नहीं बाय किया है, यहाँ पे पब्लिक ने बाय किया है, और पब्लिक में भी कोई बड़ा HNI नाम हम लोगों को नहीं दिख रहा है। कोई भी बड़ा अगर इन्वेस्टर हो तो एक बुस्टअप मिलता है, जो हाँ प्रमोटर अगर बेच रहे हैं तो कोई स्ट्रांग हैंड जो है एंट्री ले रहा है, बट यहाँ पे प्रमोटर बेच रहे हैं और बेच किसको रहे हैं तो रिटेलर को। तो ये सबसे बड़ा जो है आपको निगेटिव पॉइंट है। सेकेंड थिंग अगर देखेंगे तो नो डाउट कंपनी जो है डेट फ्री है, यहाँ पे कंपनी के पास डेट नहीं है, रिजर्व्स जो है ऑलरेडी कंपनी के पास अच्छा है, 31.56 करोड़ का रिजर्व है। इक्विटी कैपिटल जो है वो आपको डाइल्यूट नहीं हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड निगेटिव पॉइंट का, तो सेकेंड ये निगेटिव पॉइंट है जो यहाँ पे ईयर और ईयर बेसिस पे हम लोगों को सेल्स का ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सेल्स में जो है आपको डिक्लाइन हुआ है, और मोर देन 50% का डिक्लाइन, इनफैक्ट अगर बात करें ऑलमोस्ट 60% का डिक्लाइन जो है हम लोगों को यहाँ पे सेल्स में देखने को मिल रहा है, और इसका सीधा सीधा इफेक्ट दिख रहा है जो कंपनी ने यहाँ पे नेट लॉस पोस्ट किया है। क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे जो है हम लोगों को सेल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, और यही वजह है जो यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं लग रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रो नहीं कर रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा है, प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं, नो डाउट कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है बट यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, आप टेक्निकली इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप ट्रेड ले सकते हैं,
ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, नीचे की साइड में जो है 28 रुपीस के नीचे एसएल लगा के रख सकते हैं, वीकली या फिर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल के नीचे निकलता है तो आप यहां से एग्जिट कर जाइए। चलिए सेकंड स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। सेकंड स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में अगर देखेंगे तो एक जो है खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, जो स्टॉक में हम लोगों को काफी टाइम के बाद एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था जिस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है लगातार स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार जो है स्टॉक आपको लास्ट ईयर से ही ट्रेड करता था, अब फाइनली जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद स्टॉक ने वापस से जो है इस स्विंग हाई को क्रॉस कर दिया है। राजेश एक्सपोर्ट का फॉल क्यों हो रहा था, हम लोगों ने इससे पहले डिटेल में देखा था जो राजेश एक्सपोर्ट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 0% में है और इसी वजह से जो है कंपनी में लगातार जो है गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो वो है वॉल्यूम का। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक जो है यहाँ पे आपको मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे जब स्टॉक रिट्रेस बैक कर रहा था, जब यहाँ पे स्टॉक फॉल कर रहा था तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हुआ, वापस से वॉल्यूम कम हुआ। अब अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक अच्छा नीचे की साइड से मोमेंटम दिख रहा है विथ वॉल्यूम, और अब जो है यहाँ पे वॉल्यूम लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में फाइनली हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस वीक का वेट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टू ट्रेडिंग सेशन का वेट करेंगे। अगर स्टॉक यहां पे इन लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां पे 2015 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मंथली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है और ये फॉर्मेशन काफी मंथ के बाद हो रहा है। लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा था 2023 के फरवरी मंथ से ही, अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट हो रहा था। तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो स्टॉक जो है 500 की तरफ बाउंस कर सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक के शेयर में एक शानदार तेजी देखने को मिला। स्टॉक आज अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया। मंथली बेसिस पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा जो है हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट के बाद जो है स्टॉक आपको एक शानदार मोमेंटम किया है। शानदार मोमेंटम के साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में लगातार सर्ज देखने को मिल रहा है और काफी टाइम के बाद जिस वॉल्यूम के साथ स्टॉक आज ट्रेड किया है ये वॉल्यूम आपको लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2010 में हम लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम देखने को मिला था। उसके बाद ऐसा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। मोर देन 40 मिलियन के वॉल्यूम से जो है स्टॉक मंथली बेसिस पे ट्रेड कर रहा है और लगातार जो है नेकेड आई से भी हम लोगों को वॉल्यूम के बाहर से एविडेंट है। जो स्टॉक में प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये आपको काफी पॉजिटिव बात होता है। किसी भी कंपनी में अगर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। फ्रेश पोजीशन को अवॉइड जरूर करना चाहिए करंट लेवल पे, बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। 630-650 के रेंज में जो है आप एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कर ले और रेस्ट क्वांटिटी को आप होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।